कोई भी व्रत रखकर कथा अवश्य सुननी चाहिए, इसलिए आइए सुनते हैं पंच भीखू की कहानी। किसी गांव में एक साहूकार था, उसका एक बेटा व बहू थी। बहू कार्तिक माह में रोजाना सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराए पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। उसका विचार था कि मैं ही सबसे पहले गंगा स्नान करता हूँ, पर कभी कभी वह हैरान होता था कि कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला और मोचड़ी वहीं छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला और मोचड़ी उठा ली और सोचने लगा, जिस स्त्री की यह माला और मोचड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी वह माला और मोचड़ी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडव छठे नारायण, भीकम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुवा सुवा तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुवा बोला कि कोई वीर भी साख भरता है क्या। वह फिर बोली, सुवा सुवा सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुवा ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुवा से पूछा, सुवा सुवा वह आई थी क्या, कैसी थी। सुवा बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीर कर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात अपनी आँखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी, उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तरे के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तरे के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई, उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब यह रात भी निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला और मोचड़ी मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आँख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी, तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला और मोचड़ी मंगवाई है। यह सुन राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा, यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपके पुत्र वधू की है, इसे ले और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दे। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराए पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बैठा दीजिए, जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया।
हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार के पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सबका रखना। पंचभिखु स्नान करते समय यह भी बोले, पूनो नाई पड़वा नाई, पांच रतन पंच तीरथ पंच भीकम नाई, एक टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला आधे की राई, राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई। एक छोटी सी लड़की थी, कार्तिक स्नान कर रही थी। एक दिन उसकी भाभी बोली, काम की न धाम की, सारे दिन कार्तिक महाराज करती रहती है। तो लड़की को गुस्सा आ गया और एक टांग पर खड़ी होकर बोली, हे कार्तिक महाराज, जो मैं सच्चे मन से आपको धाती हूँ तो सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो जाओ। भगवान का सिंहासन डोला कि छोटी सी लड़की तप कर रही है, तो कार्तिक महाराज सोने की मूर्ति बनकर आले में विराजमान हो गए। लड़की आँख खोले तो देखे कि सोने की मूर्ति बनकर कार्तिक महाराज आले में विराजमान है। अब जल्दी से आवाज दी, देख ले भाभी कार्तिक महाराज, देख ले माँ कार्तिक महाराज, देख ले। अब तो माँ भी ध्यावे, अब तो भाभी भी ध्यावे, हे कार्तिक महाराज, जैसे छोटी लड़की का सत रखा वैसे सबका रखना, कहता न सुनता न हुकारा भरता ने सारे परिवार का रखना। शालिग्राम जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर रही थी, तो उसने पड़ोसन से बोला, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तुम मेरे शालिग्राम जी को रख लो, मेरे शालिग्राम जी की सेवा करना। पड़ोसन बोली कि मुझे सेवा पूजा आती नहीं है, तुम बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से पुष्प तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। और कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार सब किया, लेकिन भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। यह देख वो चिंता में पड़ गई, बोली, भगवान आपकी मालकिन आएंगी तो कहेगी कि मेरे भगवान को दुबला कर दिया, अभी एक महीना है, आप जीम लो, आप नहीं जीमोगे तो मैं भी नहीं जीमूंगी। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा, अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए, दूध पी लिया और जीम लिए। पड़ोसन ने सोचा, भगवान जी रोज ऐसे ही आते होंगे और ऐसे ही जीमते होंगे। ऐसा रोज होता रहा। एक दिन भगवान ने कहा कि मैया मैं गायें चरा लाता हूँ। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन ही तो यहाँ रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गाय को चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई, स्नान ध्यान से निमट कर सोचा, शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के घर गई तो पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया ने सोचा पड़ोसन झूठ बोल रही है, और शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और दोनों में झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली कि बुढ़िया को समझाओ कि एक महीना निकला वैसे शाम तक और सब्र करे, लेकिन बुढ़िया को विश्वास ही ना होए। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े भगवान आए, गायों को उनकी जगह छोड़कर भगवान मंदिर में विराजमान हो गए। तब पड़ोसन बुढ़िया से बोली कि ले जाओ तुम्हारे भगवान, और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर भर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिए। हे भगवान, जैसे भोले भक्तों को दर्शन दिए वैसे सबको देना, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। तुलसा जी की कहानी। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती, सब कोई तो सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़ला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैखुंड का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, ग्यारस का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती है, तुम्हें जिमाती है गाती है, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है।
मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले, एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसीलिए किसी से नहीं उठती। तब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सब ने कहा, तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई तू बिड़ला सींचे मेरा, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़ुआ ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, पटके की मोत ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झिनकार ले, साई का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे कांधे पर ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता, जैसा उसकी मुक्ति करी ऐसा हमारी करियो, जैसा उसको कांधा दिया वैसे सबको दियो। लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी रोजाना सवा शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा, क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूँ। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करूँगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मुंदड़ा तपसी के आगे गिरा दिया। उसने आँख खोलकर देखा तो मुंदड़ा पड़ा था। उसने उठाकर पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी ने 1.25 शेर का हलवा बनाकर भगवान को भोग लगाकर टाली हिलाकर जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बैठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है। नारद जी ने तपसी से कहा कि अपना पांव हटा। पांव हटाते ही मुंदड़ा निकला। तब नारद जी बोले कि मुंदड़ा चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देंगी। सब कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेंगी तो कार्तिक का फल दुझे हो जाएगा। धोती देकर अंगोछा नहीं देंगी, सीधा देकर दक्षिणा नहीं देंगी, ब्राह्मण चिमाकर दक्षिणा नहीं देंगी, दीवा चासकर हाथ न जोड़े तो तेरा पुण्य होगा। कपड़ा देके बटन न लगावे, दाहिने हाथ नाड़ा बांधे तो सबका फल तुम्हें हो जाएगा। और इतना कहकर नारद जी चले गए। लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कथा कहानी को फल माने हो जो। पीपल पतवारी की कहानी। एक गुजरी थी, उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरते पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो। औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम तो पानी से सींचती हो, मैं तो दूध से सींचूंगी। अब तो गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने ही नहीं जाती, वह रोजाना दूध तो पीपल में और दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती कि महीना पूरा हो जाने पर दे दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, पूनम का दिन आया। बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तू मेरे पास क्यों बैठ गई। तब बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा है, इसको ले जा। बहू ने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली कि बहू पैसे ला। बहू बोली कि कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोल के देखी तो हीरा मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली कि बहू इतना धन कहाँ से लाई। बहू ने आकर देखा तो सच्ची में ही धन भरा हुआ है। बहू ने सासू को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही तो बेचकर आ जाती और हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती कि मेरे से दाम मांग। तब बहू कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या। पर सासू कहती कि तू मांग। बहू बोली कि सासू जी पैसे लाओ, तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सासू को भी पान पतूरा भरा डिंडा दे दिया। उसने वही ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है। तब सास ने आकर देखा और बोलने लगी कि पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है, इसको तो धन दिया और मुझको कीड़ा मकोड़ा दिया।
तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचे थी, तुम धन की भूखी सींची। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। बिंदायक जी की कहानी। महारा बिंदायक जी स्याणा, ल्यावे धन का बाणा, महारा बिंदायक जी सुधा और भरे धन का कुंडा, महारा बिंदायक जी भोला भरे धन का झोला, महारा बिंदायक जी धाया और ल्यावे धन का गाड़ा, बिंदायक जी बाबा भरिया आयो रीता जाइजो, बिंदायक बाबा रंगो चंगो फिरे बाड़ी में भरो सुरंगो, राज ध्यावे राज ने में महा का सुहाग ने, पोता भूखी राबड़ी दोयता भूखी खीर, मीठी लागे राबड़ी खारी लागे खीर, घर साकड़ो दीजो धन मोखलो दीजो, सबका संकट हर जो सबका दुख मेट जो, सबका कारज सिद्ध कर जो, सब विपत्तियां से बचा जो, सुख संपत्ति दीजो लक्ष्मी को वास दीजो, सबकी लाज राख जो सबका अंधन का भंडार भर जो, हर मनोकामना पूरी कर जो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा कर जो, सोना की चौकी चांदी का थाल जी में बैठे हमारा बिंदायक जी महाराज। जय श्री राधे।